मैंने अपने बर्थडे पर यूट्यूब पे एक चैनल बनाया एंड सिर्फ चैनल ही नहीं बनाया, मैंने उसे 5 महीने में मोनेटाइज भी कर दिया। सो अगर आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि 5 महीने की मेहनत मैंने 5 मिनट में कवर कर दी है। इस वीडियो में बेसिकली मैं 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला कि मैंने अपना चैनल कैसे मोनेटाइज किया, और इसमें तीसरा पॉइंट तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इसने मेरे चैनल की लाइफ बदल दी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज स्टे फोकस्ड ऑन योर नीश। नीश डिसाइड करना हमारे चैनल का पहला स्टेप होता है कि आप किस टाइप की वीडियोस बनाने वाले हो। जैसे मेरे चैनल का नीश था गेमिंग, मैंने गेमिंग चैनल बनाया था एंड मैंने ध्यान रखा था इस चीज़ को कि मैं आज से जैसी भी वीडियोस डालूंगा वो सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड ही होंगे। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैंने आईफोन के लैग फिक्सेस की वीडियोस भी बनाई है एंड फिंगर स्लीव्स मोबाइल फ़ोन कूलर्स की भी वीडियोस बनाई है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स वो गेमिंग में यूज़ किए जाते हैं। वो जो लैग फिक्सेस हैं, बग फिक्सेस की जो मैंने वीडियोस बनाई है, वो भी मैंने अपनी गेम के लिए बनाई है। सो मैंने अपने नीश को हमेशा फोकस रखा है कि मेरी जो नीश है वो कभी भी चेंज ना हो, दैट वॉज गेमिंग। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ वीडियोज़। क्या जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो शुरुआत में मैं शॉर्ट वीडियोस डाला करता था। शॉर्ट वीडियोस से मुझे ये पता था कि शॉर्ट वीडियोस जल्दी वायरल होती हैं और उससे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी जल्दी गेन होते हैं। सो मैं एक दिन में एक शॉर्ट वीडियो ऐसे करके अपलोड किया करता था। सो ऐसे कंटिन्यूसली मैंने 1 महीने तक शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड किया एंड हेयर आर द रिजल्ट्स। किसी में 100 व्यूज़, 200, 300, मैंने काफ़ी क्रिएटर्स को फॉलो किया, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखा कि वो किस तरह की वीडियोज़ डाल रहे हैं, उनकी कैसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। सो मैंने वो सारी चीज़ें देख करके सीखने की कोशिश की, मैंने कोशिश किया, ट्राई किया एंड इन सब के बावजूद मेरी किसी भी वीडियो पे 1000 व्यूज़ भी नहीं आए थे। आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप, लेकिन मैंने वहाँ पे हिम्मत नहीं हारी। 2 फरवरी को मैंने अपने चैनल के पहले 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए एंड मैं अब तक सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ ही डाल रहा था, लेकिन अब बारी थी कुछ बदलने की। मैं जिन क्रिएटर्स को फॉलो करता था उनका ये मानना था कि आपका जो चैनल है वो एक लैब की तरह है, आप इसमें जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे आपको उससे उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी वीडियोस को अच्छे से एडिट करना, अच्छे से वॉइस ओवर और उसका SEO करना स्टार्ट किया एंड 17 मार्च को मैंने अपने चैनल पे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। मेरे चैनल पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रही थी, देन मैंने किसी क्रिएटर के चैनल पे ये वीडियो देख ली, यूट्यूब शॉर्ट्स विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय योर चैनल। इस वीडियो ने लिटरली मेरे दिमाग का ढक्कन खोल दिया। शॉर्ट्स से आने वाले जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो हमारी लॉन्ग वीडियोस के लिए डेड सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करते हो तो सबसे पहले YouTube उस वीडियो को आपके सब्सक्राइबर्स को पुश करता है एंड जब आपके खुद के सब्सक्राइबर्स आपके शॉर्ट्स वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं वो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, वो आपकी लॉन्ग वीडियोस पे क्लिक नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, आपकी वीडियो वहीं पे फ्रीज हो जाएगी, YouTube उस वीडियो को और आगे पुश करेगा ही नहीं, कि जब आपके खुद के सब्सक्राइबर्स उस वीडियो को नहीं देख रहे तो लोग क्या ही देखेंगे भाई। अब बात कर लेते हैं मेरे सबसे स्पेशल फेज की, द गेम चेंजर। इसने मेरे चैनल का गेम ही पूरा बदल डाला। ये एक ऐसा वीडियो निकल कर के आया जो मैंने बिल्कुल सही टाइम पे और सही तरीके से मैंने लोगों को पेश किया एंड उसके अगेंस्ट मुझे इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि आप ऐसा मान सकते हो कि मेरे चैनल के मोनेटाइजेशन में आधा से ज़्यादा इसी वीडियो का हाथ है। तो मैंने डिसाइड किया गर्मियों का मौसम एंड गर्मियों का मौसम के साथ साथ आती है डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम्स एंड हीटिंग प्रॉब्लम्स का सबसे पहला सॉल्यूशन है मोबाइल कूलर्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मोबाइल कूलर्स पे कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा और बेसिकली कंपैरिजन वीडियोस नॉर्मल वीडियोस से ज़्यादा वर्किंग होती है। मुझे ये नहीं पता था कि ये वीडियो इतना आउटस्टैंडिंग रिस्पांस देगी, बस मैं अपनी मेहनत किए जा रहा था। जितना काम मैंने अपनी बाकी की वीडियोस में किया था उतना ही काम मैंने इस वीडियो में भी किया था, बस फ़र्क इतना था कि ये इस वीडियो को अपलोड करने का परफेक्ट टाइम था, जिसकी वजह से ये वीडियो YouTube पे ट्रेंड करने लगी क्योंकि ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सर्च बार में लोग सर्च करने लगे थे। तो गाइस इस वजह से इस वीडियो पे आज के टाइम पे 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं एंड इसी वीडियो से मुझे 2500 से भी ज़्यादा वॉच टाइम आ चुका है। सो गाइस आपको भी इसी तरह कंसिस्टेंटली अपने चैनल पर वर्क करते रहना है। Nobody knows आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए एंड आपके आधा से ज़्यादा काम जो है वो आसान हो जाए।
अब चौथा और आखिरी पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगों से अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो मुझे बेझिझक डीएम करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली रिप्लाई करके आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। सो आवर लास्ट पॉइंट इज मेक योर ऑडियंस बेस। गाइस, मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पता थी, मुझे अगर अपनी गेमिंग लोगों को दिखानी है तो उसके लिए पहले मुझे लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो मुझे पहले की भी कुछ वीडियो से पता चल चुका था कि अगर मैं ऐसे डायरेक्टली गेम प्लेस ही डालता रह जाता तो अब तक मुझे 15-20 व्यूज़ ही आ रहे होते हर वीडियो पे। ऑडियंस बेस बनाने के लिए आपको डिमांडिंग वीडियोस ऑडियंस को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इट डजेंट मैटर कि वो वीडियोस आपके फेवर में हो ना हो, ऑडियंस बनाने के लिए आपको ऑडियंस की पसंद की वीडियोस उनको दिखानी पड़ेंगी, तब जाके आपकी ऑडियंस और आपसे कनेक्ट हो पाएगी। उसके बाद आप अपनी गेम प्लेस की या फिर कैसे भी वीडियो डालो, ऑडियंस आपकी हर वीडियो में इन्वॉल्व होना पसंद करेगी। आज के टाइम पे मैं अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स भी करता हूँ, वीडियोस भी डालता हूँ, एंड ऑडियंस मेरी हर वीडियो हर लाइव स्ट्रीम में इन्वॉल्व खुशी खुशी होती है। एंड थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी सिंगल सब्सक्राइबर ऑफ माइन, जिन लोगों ने भी मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, आई थैंक अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज जस्ट अ जर्नी ऑफ माई यूट्यूब करियर एंड मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं था पहले। दिस वॉज माई फर्स्ट गेमिंग चैनल ऑन यूट्यूब एंड आई सक्सेसफुली डिड इट। एंड अभी तो ये बस स्टार्ट है, अभी तो हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव करने हैं, उसके लिए भी मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। हाँ भाई, कमला फिर आ गई, मैं गलत रूम में ही घुस गया, मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाया।